हेलो दोस्तों, मैं अमित और आप सभी का स्वागत करता हूँ भाटी फिटनेस ज्ञान में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, विंटर स्टार्ट हो गई है और कहीं ना कहीं खांसी जुकाम बुखार हमें होना स्टार्ट हो जाता है जैसे ही विंटर स्टार्ट होती है, और हमेशा हमें कोल्ड रहता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें सर्दी लग जाती है। अगर सर्दियों के टाइम पर एक ऐसे सीड्स के बारे में बताने वाला हूँ जिस सीड्स को लेने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, बट आपको इसको टी या फिर इसका वाटर का यूज़ करना है। इसे आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, मगर अगर इसका अच्छे से बेनिफिट लेना है तो आपको इसका वाटर का सेवन करना पड़ेगा। अगर आपको स्टोमक में पेन होता है या जॉइंट पेन होता है या फिर माइग्रेन जैसी समस्या अगर आपको है तो आप इस सीड्स के पानी को ले सकते हो, वाटर को ले सकते हो। इससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। अगर आप डेली अजवाइन के पानी का सेवन करते हैं तो इससे आपको वोमिटिंग जैसी प्रॉब्लम से भी काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। अगर आपको लोअर बैक में पेन है या फिर देखा होगा आपने, जब विंटर का टाइम होता है उस टाइम पर हमारे जो जॉइंट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करते, या फिर हमारा जो हाथ है वो सोते टाइम एक तरफ अगर हम सो जाते हैं तो हमारा उस साइड का जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं एक वाइब्रेट सा होने लग जाता है, या फिर हम ये कहेंगे आम भाषा में कि सुन्न हो जाना एक तरीके से। तो इन जैसी समस्याओं से भी आप बच सकते हैं। आपको बार बार सर्दी लग जाती है या फिर आप बाइक चला रहे हैं या फिर लंबे लॉन्ग रूट पर जा रहे हैं उसके बाद, या फिर आपका वेदर चेंज हो रहा है उस टाइम पर अगर आप इसे लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। एजवाइन वाटर जो है वो आपको वेट लॉस करने के लिए भी आप कहीं ना कहीं उसका सेवन कर सकते हैं। अगर आप एजवाइन वाटर का सेवन नहीं कर सकते या एजवाइन वाटर आपको पसंद नहीं है तो एजवाइन की टी ले सकते हैं। जब भी आप टी बनाते हैं तो उसके अंदर हाफ स्पून एजवाइन डालकर आप उसकी चाय पी सकते हैं, क्योंकि एजवाइन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है आपके लिए, आपके स्टोमक के लिए। कई बार देखा होगा आपने, बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं या फिर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, तो उस टाइम पर आप इसे ले सकते हैं, इसकी टी का सेवन कर सकते हैं। अगर आप इसका डेली सेवन करेंगे तो इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, साथ ही साथ आपके जो फेस पर काफ़ी ज़्यादा चमक भी रहेगी, क्योंकि एजवाइन जो होती है वो आपके स्टोमक को अच्छा लगेगी। अगर स्टोमक अच्छा है तो आपका डाइजेस्टिंग सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, और अगर डाइजेस्टिंग सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा तो आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हो। तो अगर आपको इन सारी समस्याओं कहीं ना कहीं जूझ रहे हो तो आपको आज से ही एजवाइन का वाटर का सेवन करना चाहिए। अगर आप एडल्ट हो, आप अगर बड़े हो तो आपको 1 स्पून एजवाइन लेनी है और 1.5 कप पानी के अंदर से उबालना है। अगर छोटे बच्चे ले रहे हैं तो इसे बहुत ही कम मात्रा में देना है ताकि उन्हें कोई और प्रॉब्लम ना हो। अगर महिलाएं इसका सेवन कर रही हैं तो उन्हें थोड़ी सी कम मात्रा में करना चाहिए, या फिर आपको कोई और डिसीज है, कोई और बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। बट ये एक देसी इलाज है जो सभी के घरों में, सभी के किचन में अवेलेबल है, और जब भी आपको स्टमक पेन होता है तो आप जीरे का पानी भी सेवन कर सकते हैं, मगर जीरे का पानी इतना कारगर नहीं है जितना एजवाइन वाटर है। अगर आप एजवाइन का सेवन पीने के रूप में नहीं कर सकते या आपको एजवाइन अच्छी नहीं लगती तो इसका एक ऑयल तैयार कर सकते हैं, एक तेल तैयार कर सकते हैं जो आप घर पे ही रहकर बना सकते हैं। आपको क्या करना है, 2 टेबल स्पून एजवाइन लेनी है। एजवाइन को सरसों के तेल के अंदर डालकर उबाल लेना है, अच्छे से पकने देना है। पकने के बाद आपको छान लेना है, छानने के बाद अजवाइन को निकाल लेना है, साइड कर देना है, और जो ऑयल है उसे आप किसी भी बोतल में फिल करके रख सकते हैं। इसको नाभि पे लगाने से आपको स्टमक पेन में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। अगर आप सर्दी खांसी जुकाम या कुछ ऐसी समस्या है तो उस टाइम आप अपने फ्लैट फुट जो आपका सॉल है उस पर रगड़ने से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपकी बॉडी में हीटनेस मतलब कहीं ना कहीं गर्माहट बढ़ने लग जाएगी, एक हॉटनेस बढ़ने लग जाएगी। साथ में अगर आपको लोअर बैक में पेन है तो आप लोअर बैक में भी इसका मालिश या फिर इसे लगाकर रात भर सो सकते हैं। आप देखेंगे सुबह तक आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। तो एजवाइन के बहुत सारे फायदे हैं, अगर मैं आपको बताने पे आ जाऊं तो इसके अनगिनत फायदे हैं, मगर जो मैंने आपको बताया है, अगर आप इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं आपको लग रहा है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। वेट लॉस के लिए एक रामबाण है, अगर आप डेली एजवाइन वाटर मॉर्निंग और इवनिंग में इसका सेवन करते हैं तो इसका बेस्ट रिजल्ट आपको कुछ ही वीक के अंदर
दिखने लग जाएगा। तो आज से ही आपको अजवाइन का सेवन करना चाहिए और अजवाइन के वाटर का सेवन करना चाहिए। मगर जब भी आपको लगता है कि मुझे कुछ ऐसी कोल्ड जैसी शिकायत है तो आपको इसका सेवन जरूर करना चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।